हाय फ्रेंड्स, नमस्कार इंडिया। मैं आज आपको नया एक ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। ये है बदरपुर जंक्शन, जो कि असम स्टेट का करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये जंक्शन का ओपन हुआ था 1898 को। हाल ही में ये 2014 में ये बंद हो गया था, क्योंकि इससे पहले 2014 तक ये मीटर गेज का था। और उसके बाद कुछ महीने यहाँ पर काम होने के बाद ये ब्रॉड गेज लाइन में कन्वर्ट हो गया और फिर से ये शुरू हो गया। सो 2015 से ये रेगुलर चल रही है। सो मैं आज आपको ये पूरा जो जंक्शन है ये किस लिए फेमस है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और यहाँ से आपको कौन कौन सा गाड़ी गुजरती हुई देखेगा, सो सारे चीज़ें सारे डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में, क्योंकि मेरा मकसद असल में ये था कि मैं अपने चेहरा से ज़्यादा आपको जो स्टेशन का व्यू है, इस जंक्शन का जो एक्टिविटीज़ है, वो बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, ये फ़िलहाल मैं अगर इसका थोड़ा सा इन डिटेल्स में इसके हिस्ट्री के बारे में बताऊँ, तो पहले ये असम बंगाल रेलवे था, जो कि 1892 में स्टार्ट हुआ था। और उस समय जो ब्रिटिश थे हमारे देश में रूल कर रहे थे, उनका ये मकसद था कि जो असम का, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जो असम है, हमारे जो असम स्टेट है, उस असम स्टेट में जो भी टी प्लांटेशन था, उस टी प्लांटेशन से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, टी वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए खास मकसद यही था कि इसी वजह से उन्होंने ये रेल का लाइन बिछाया था और तभी से ये चल रहा है। तो फिर ये उसके बाद ये चिटागांग से बदरपुर तक ये ओपन हो गया था 1898 को, और तभी से 1898 से ये बदरपुर का जो रेलवे जंक्शन है, स्टेशन बोले तो स्टेशन, सो ये ओपन है। और हम अभी इसी ट्रेन से सारी इंडिया तक जाने के लिए सारी सुविधाएं हमको अभी मिल रहा है। सो पहले ये कुछ नाम से जाना जाता था, अभी तो हाल ही में अब यानी कि अभी जो प्रेजेंटली ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के नाम से जाना जाता है, NF रेलवे, और लमडिंग डिवीजन के अंडर में ये है। और सो इतना कुछ बदरपुर जंक्शन के बारे में। मेरा मेन मकसद है कि आपको पूरा नज़ारा दिखाऊं कि इस प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है और यहाँ पे कौन कौन सा गाड़ी यहाँ से गुजरती है और कहाँ कहाँ जाने वाले गाड़ी यहाँ से आपको मिलती है। तो ये रहा आपका सामने का जो व्यू है प्लेटफॉर्म का, और मैं बाद में दिखाऊंगा कि प्लेटफॉर्म का बाहर जो है, जहाँ पे आप निकल के कार वगैरह, कार और ऑटो वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा, तो कुछ कैंटीन, ओपन कैंटीन यहाँ पे है, आपको दिखाई देगा। यहाँ पे टिफिन वगैरह, स्नैक्स वगैरह आप कर सकते हैं यहाँ से, और बहुत सस्ती है, इतना और प्राइस भी नहीं है। सो मेरे दोस्तों, तो यहाँ से मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो मेजर ट्रेन्स है, जो जो ट्रेन यहाँ से होकर गुजरती है, कुछ एक ट्रेन ऐसा है जो लॉन्ग जर्नी वाला ट्रेन है, जो अगरतला से, त्रिपुरा का जो कैपिटल है अगरतला, अगरतला से जाती है, और कुछ एक सिलचर से जाती है, और ये जाके लमडिंग होकर गुवाहाटी, फिर गुवाहाटी से वेस्टर्न इंडिया या फिर नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सारे जगह पर आप लिंक करती है ये। तो इसीलिए ये बदरपुर जो जंक्शन है ये बहुत ख़ास मायने रखता है। तो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, जो स्टेशन और जंक्शन, कभी कभी हम किसी को यहाँ पे रेल स्टेशन कहते हैं, किसी को हम जंक्शन कहते हैं। एक्चुअली जंक्शन का मतलब ये है कि जिस स्टेशन से दो चार लाइनें, यानी से एक से ज़्यादा लाइन यहाँ से निकलती है, यानी कि दूसरे दूसरे डाइवर्ट हो जाता है लाइन, सो उसी स्टेशन को हम जंक्शन कहते हैं। सो जैसे कि मैंने बता रहा था कि मेजर ट्रेन जो यहाँ से होकर इस बदरपुर जंक्शन से होकर गुजरती है, जो लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग ट्रेवल के लिए, सो अगरतला से जो निकलती है वो है आनंद विहार टर्मिनल, तेजस राजधानी जो है वो है, और फिर विश्वेश्वरा, सार एम विश्वेश्वरा टर्मिनल, अगरतला हम सफ़र एक्सप्रेस जिसे कहते हैं।
फिर सिलचर से जो ट्रेन यहाँ से जाती है और न्यू दिल्ली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस आई है, और सिलचर से फिर तिरुवनंतपुरम का अरुणाई सुपरफास्ट एक्सप्रेस है वो भी यहाँ से जाती है, और फिर सिलचर से कोयम्बटूरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो भी यहाँ से निकलती है, और गुवाहाटी सिलचर का जो एक्सप्रेस है डेली एक्सप्रेस होता है तो वो भी है, और सियालदह का जो अगरतला से भी निकलती है और सिलचर से भी निकलती है, सो ये ट्रेन भी यहाँ से गुजरती है। तो सिलचर अगरतला और सिलचर अगरतला जो गाड़ी है डेली पैसेंजर है वो तो मैंने बोल ही दिया है, और सिलचर से आपको जो सियालदह है सियालदह तक जाती है कंचनजंगा एक्सप्रेस, और अगरतला से भी ये कंचनजंगा एक्सप्रेस अवेलेबल है। तो अगरतला से फिर और एक गाड़ी है ट्रेन है जो फिरोजपुर कंटेनमेंट जो जाती है गाड़ी, उस गाड़ी का ऐसा आपको त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस के नाम से भी आप जान सकते हैं, और सिलचर से न्यू तिनसुकिया बराक ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस वो भी आपको यहाँ से गुजरती हुई देखेगा। देवघर अगरतला से वीकली जाती है एक गाड़ी है देवघर तक, और सिलचर से आपको धर्मनगर जाने वाली गाड़ी भी जो भी है वो भी आपको यहीं से गुजर के यहीं से इसे जंक्शन से गुजर के जाना पड़ता है। फिर आपको लोकल ट्रेन के जैसा है दुल्लभछड़ा सिलचर फर्स्ट पैसेंजर जो है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर बदरपुर से इसी जंक्शन से रवाना देती है एक दुल्लभछड़ा वाला गाड़ी, सो यहाँ से आपको डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा। और दूसरा एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस है जिसे जनशताब्दी एक्सप्रेस, और इसे अगरतला जिरीबाम एक्सप्रेस के नाम से भी आप जान सकते हैं। मैंने ब्लॉग के पहले ही जो दिखाया था एक ट्रेन जो इंट्रोडक्शन में दिखाया था, सो वही ट्रेन है जनशताब्दी एक्सप्रेस, और ये एक्चुअली अभी नया नाम हो गया है क्योंकि उसका डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते मणिपुर के अंदर वो जा रही है, जितना भी लाइन एक्सटेंड हो रहा है उतना ही वो मणिपुर के अंदर जा रही है। सो उस ट्रेन का अगरतला खंगसुआंग ऐसा कुछ नाम है उसका। सो ये सारे मेजर ट्रेन्स हैं जो बदरपुर स्टेशन से होके या फिर आप बोले तो बदरपुर जो जंक्शन है इसी जंक्शन से होकर गुजरती है, और ये रहा आपका फुल डिटेल्स। और साथ ही साथ आप अभी बाहर का नज़ारा देखिए, आप स्टेशन से ये रहा टिकट काउंटर स्टेशन का, सो इस यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। वैसे तो आजकल हम सब क्या करते हैं ऑनलाइन से भी, हम ऑनलाइन में भी दो तीन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से हम टिकट बुक कर सकते हैं, रेलवे टिकट के बगैर भी हम फ्लाइट के टिकट भी बुक कर सकते हैं, बस का टिकट भी बुक कर सकते हैं। वैसे है यहाँ पर डायरेक्ट आप तो रेलवे स्टेशन है तो रेलवे टिकट का ही बुक करेंगे। तो देखिए यह बाहर का प्लेटफॉर्म का बाहर का नज़ारा जो है, और मेरे पीछे अभी यहाँ पे ऑटो बहुत सारे ऑटो खड़ी है, आप देख पाएंगे, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। सो ये रहा आपका फ्रंट व्यू, और यहीं से हम अंदर जाएंगे अभी, और अंदर का व्यू भी वैसे मैंने बहुत व्यू दिखा दिया फिर भी दिखाने का कोशिश करूँगा। और आपको स्टेशन में एक कैंटीन बोले तो या फिर होटल बोले तो आपको वहाँ पे वो भी मिल जाएगा, और वो चीप रेट में आपको यहाँ पे खाना वगैरह मिल जाता है, नॉर्मल सा चावल पराठा रोटी ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा अवेलेबल। और ये देखिए प्लेटफॉर्म का अंदर ये कैंटीन है और होटल भी है यहाँ पे। तो दोस्तों ये मेरा जो मैं जितना भी ब्लॉग बनाता हूँ उनमें कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है, ज़्यादातौर पे ये ट्रेवलिंग सोर्सेज जो भी है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा आपका होटल रेस्टोरेंट बोले तो रेस्टोरेंट भोजनालय बोले तो यहाँ पे आप भोजन कर सकते हैं, और सो जो मैं कह रहा था कि यहाँ पे मैंने हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करता हूँ ताकि आप पहली बार अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मेरे ब्लॉग से आपको मिल जाता है। तो इसलिए
मैं ज़्यादातर पे, और वैसे भी मैंने देखा है कि मेरे जितने भी व्यूअर है उनमें से ज़्यादातर पे मैंने जितना भी ब्लॉग या अपलोड किया है उनमें से जो ट्रैवलिंग रिलेटेड है उसी में इंटरेस्ट होते हैं। तो मैंने सोचा कि नए ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा ताकि जो भी ट्रैवलर्स है जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ का जितना भी इंफॉर्मेशन हो सके मैं कलेक्ट करने का कोशिश करूँगा और आपको देने का कोशिश करूँगा। तो ये रहा प्लेटफॉर्म का बाहर जो ट्रैक्स वगैरह है, जो ये सारे ट्रैक्स पहले तो मीटर गेज का था लेकिन अभी ये ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि बदरपुर जो जंक्शन है उसका फुल व्यू दिखाने के लिए, ये सिकंदराबाद ट्रेन है जो अगरतला और सिकंदराबाद में आती जाती रहती है। और फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, आगे चल के नया एक ब्लॉग आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए,